इनके पास दौलत हो, माल हो, तिजारत हो, वो दुकानें और तिजारत उन्होंने शिफ्ट की थी मदीने में। नादारी है, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। उस वक्त में जब मेरे आका मस्जिद नबवी में ये अपील करते हैं कि बीए रूमा एक यहूदी के कंट्रोल में है, वो पानी बेचता है, मुसलमानों को नहीं देता, सारे मिलके चंदा इकट्ठा करो, इसमें पैसे डालो ताकि उसका आधा हिस्सा हम खरीद लें और हमारे लिए पानी का मसला न बने मदीने में। जो जो आदमी इसमें हिस्सा लेगा मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हजरत उस्मान अकेले उठ खड़े, या रसूलल्लाह उसके लिए जन्नत की जमानत है? फरमाया हां मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। कहने लगे फिर किसी से चंदा न मांगिए, अकेला उस्मान पीरे रूमा का निस्व हिस्सा खरीद के वक्फ करेंगे। ये बनू उमैया में से था, उस्मान हाशमी है कि बनू उमैया? तुम कहते हो बनू उमैया की क्या खिदमत है, बनू उमैया ने क्या किया इस्लाम के लिए? जब मेरा नबी चंदे की अपील कर रहा है तो वहां हाशमी नहीं थे? बोला फिर कोई हाशमी? बनू उमैया का फर्द बोला ना, आधा हिस्सा जब खरीद के दे दिया तो एक दिन पानी की बारी मुसलमानों की, एक दिन यहूदी की। किस दिन मुसलमानों की बारी है? मदीने में ऐलान हो गया है बगैर तफरीक मजहब और मसलक के जो चाहे मुफ्त में पानी ले जाए, कोई यहूदी हो कोई हो, कोई पानी की कीमत नहीं। सारे लोग मुफ्त पानी भर लेते, दूसरा दिन यहूदी मक्खियां मारता है। आखिर वो तंग आया, मेरे आका की खिदमत में आया, मेरे हिस्से वाले दिन ते आंदा कोई नहीं, ये भी तुसी लाए। मेरे नबी ने फिर अपील की, बाकी का निस्फ हिस्सा खरीद के वक्फ करे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। उस वक्त भी फिर बनू उमैया का फर्द उस्मान खड़ा हुआ था, मैं खरीद के। तो ये सखावत का नूर हजरत उस्मान में मौजूद। मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई, इस्लाम फैलने लगा, लोग ज्यादा होने लगे। आपने अपील फरमाई, ये करीब का जो बाजार है ये खरीद के मस्जिद नबवी के लिए, उसकी तौसी के लिए वक्फ करे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। यूं ही फजीलतों के जाल ढूंढते फिरते हो, मसलूई यूं ही झूठे किस्से, झूठी कहानियां, और जब कहानियां बयान करते हो तो अकल को अंधेरी कोठड़ी में रख के आ जाते हो। सुनने वाले भी अपनी अकल अंधेरी कोठड़ी में जाके रोशन कर देते हैं कि फुलां बैतुल्ला में पैदा हुआ और पैदा होते ही कुरान पढ़ने लग गया। अभी मेरे नबी को नबूवत नहीं मिली, अभी कुरान उतरा नहीं। नबूवत मिलने से 8 साल पहले वो पैदा हुए और पैदा होते ही कुरान पढ़ने लग गए। आगे पढ़ी पढ़ाई कौम में किसी ने नहीं पूछा कि कुरान तो उतरा नहीं था, जालिमों तुम्हें हया नहीं आती? ये जब कुरान की पहली आयतें उतरी थी तो जिब्रील मेरे नबी से कहता था इकरा, पढ़िए पढ़िए, तो मेरे नबी जवाब में क्या कहते थे? बेकारी।
ये मसनूई फजीलतें माँ ना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, माँ तुम तदरी मल किताबो, तुम्हें अल्लाह समझ दे और तुम्हें अल्लाह कुरान की समझ दे दे, अल्लाह करे तुम कुरान की तरफ पलटो, माँ तुम तदरी मल किताबो। मेरे प्यारे पैगंबर, आप तो जानते भी नहीं थे कि किताब क्या होती है, किनको कहा जा रहा है, होते भी नहीं होते। हजरत अली 8 साल पहले पढ़ते हुए आए और मेरे आका को कुरान कहता है मा कुम तदरी मल किताबो, आपको तो पता भी नहीं था कि किताब क्या होती है, ये तो हमारी रहमत है कि हमने आप पर उतारा है, ये अल्लाह का कुरान है। फिर मैंने एक हदीस पढ़ दी, वो कहते हैं इकरा, ये जवाब में क्या कहते हैं, माना बेकारी, मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूं, मैंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा। 3 मर्तबा के बाद जिब्रील कहता है इकरा बिस्मे रब्बिक अल्लज़ी खलक, उसका नाम लेकर पढ़िए जो गंदे पानी के कतरे के नक्शा इंसान बना दिया रहता है, उसका नाम लेकर पढ़िए। तुमने सब मसनूई जाले बनाई, कैप्सूल भरे, लोगों को फजीलतें सुनाई मसनूई। फिर एक सांप आ गया बैतुल्लाह में, एक दिन के बच्चे ने उसके जबड़ों को पकड़ा और चीर के रखा, लोगों ने कहा सुबह अगर ऐसा कोई वाकया होता, हदीस में उसका जिक्र ना जबान सदे आम, ये तो बड़ी अजीब बात है कि बच्चा पैदा होता है कुरान पढ़ रहा हो। क्या करें, किधर करें, कुरान पाक एक जगह पे कहता है हमने जब इंसान को पैदा किया, तुम्हें जब हमने पैदा किया, ला तालमून शैइअ, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुरान कहता है कुछ नहीं जानते, क्या हमने तुम्हें पैदा किया तो कुछ नहीं जानते थे, फिर हमने तुम्हें ये पढ़ना लिखना सिखा दिया। तुम बयान करते हो मसनूई फजीलतें और तमन्ना करते हो सहाबा पर, और यहां ये जो असल फजीलतें हैं, मेरा नबी कंधे की अपील करता है बार बार, कौन उठता है, मैं लेके दूंगा। वो मस्जिद नबवी की जो जगह हजरत उस्मान ने खरीद के वक्फ की और मस्जिद नबवी में तौसी के लिए शामिल हुई, उस जमीन पर जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे हजरत उस्मान को सवाब मिलता रहेगा। और गज़वे तबूक हुआ उस दिन तो हजरत उस्मान ने हाथ दी कर, मेरे नबी परेशान है, तवील सफर है, सहरा का सफर है, सवारियों का फुकदान है, खजूरें पकी हुई है, पेशा वर फौज से दो दो हाथ करने हैं, रास्ते में खाने पीने ज्यादा राह के लिए कोई चीज नहीं। मेरे नबी चंदे की अपील करने रास्ते के लिए जो खजूरें काम आएंगी, रकम लेंगे, कोई चीज खरीदेंगे, कोई सवारियां, मेरे नबी चंदे की अपील करती है। और सबसे पहले बनू उमैया का फर्द उस्मान खड़ा होता है, 100 ऊंट अल्लाह तमाम सालो सामान मैं बनू, कहना आसान है 100 ऊंट तमाम सालो सामान मैं बनू। मेरे नबी ने अपील जारी रखी, जरूरत ज्यादा थी और तो फिर उस्मान 100 ऊंट और
سرفیاں بھی دے رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ بھی، اس کا ساز و سامان بھی، غذائیں بھی، بڑا تعاون ہے، بڑی ہمت ہے، لیکن خدا گواہ ہے غزوہ تبوک کے چلنے کے موقع پہ جو رویہ اور جو ایثار صدیق اکبر کا ہے، میں یہ جانتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بدر احد میں ان کے کارنامے، خندق میں ان کا کارنامہ، خندق میں ان کا کارنامہ، اس سے انکار ممکن نہیں، اس سے انکار ممکن نہیں. خیبر میں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہو، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے. حضرت علی کی بڑی فضیلت، ہم اہل سنت اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر کا احترام، کوئی فرق نہیں ہے احترام، کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید یا تنقید ایمان کے لیے خطرہ ہے. ہم ان کے فضائل کی عظمت نہیں مانتے. میری بات کو غور سے سننا ہے، غور سے سننا ہے. کیا گنتے رہتے ہو اور ان پر تبرے کرتے رہتے ہو؟ حضرت علی کی شجاعت سے، دلیری سے، جنگوں میں کفار سے مقابلہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خدا گواہ ہے اسلام کی اشاعت کے لیے جو مالی ایثار ہے اور مال خرچ کرنا ہے، اس میں عثمان اور ابو بکر کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب. حضرت علی نے کہاں مال خرچ کیا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ علی نے مال خرچ کیا کیوں نہیں کیا؟ اس پوزیشن میں نہیں، مالی لحاظ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں. ان کے پاس مال ہوتا تو وہ خرچ ضرور کرتے، وہ مالی پوزیشن ان کی مستحکم نہیں، مال خرچ نہیں کیا کسی مقام پر. اور انہوں نے آٹھ آٹھ سو اونٹ بما ساز و سامان اور ایک ہزار دینار میرے نبی کی جھولی میں آ کے ڈالے، اور انہوں نے آدھے گھر کا مال اور انہوں نے پورے گھر کا مال. گالیاں نکالنی آسان، فدق کو سامنے رکھ کے گالیاں نکالتے کہ بی بی فدق مانگنے کے لیے گئی تھی اور وہاں اپنے حق پر بی بی نے دلائل دیے تھے، تاکہ یہ میرے دلائل کو نہ مانے تو کافر ہو جائے، میرے دلائل کو نہ مانے تو فاجر ہو جائے. بی بی نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے دلائل دیے تھے. بندیالوی کہتا ہے کہ بی بی نے میری بات اگر پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گئی، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. بی بی نے حضرت صدیق اکبر کے دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ابو بکر خلیفہ برحق ہے. نعرہ تکبیر، ورنہ کیوں گئی؟ حق حضرت علی کا تھا، اس نے غصب کر رکھا تھا، تو فدق پہلے مانگنا چاہیے تھا کہ خلافت پہلے مانگنی چاہیے تھا؟ دلائل کو خلافت پہ دینے چاہیے تھے. خم غدیر کا خطبہ، من کنت مولا ہو فلی مولا یا
ये दलील देनी चाहिए थी। बद्र ओहद में हजरत अली की बहादुरी, ये दलील देनी चाहिए थी। नबी पाक ने फरमाया अंत वली की फिर दुनिया वाल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है, आखिरत में भी मेरा दोस्त है, ये दलील देनी चाहिए थी। फातिमा को दलीलें देनी चाहिए थी, लेकिन फातिमा खिलाफत की बात नहीं करती, फतक की बात करती है। तो फातिमा ने अबू बकर को खलीफा माना ना, फदक मेरे नबी की मिल्कियत नहीं थी ना, उसकी आमदन, फदक की आमदन अहले बैत रसूल में खर्च होती थी, बीवियों पर, हजरत अली के घराने पर, हजरत अब्बास के घराने पर, ये जो घराना था हाशमियों का, उसकी आमदन खर्च होती थी, मिल्कियत नहीं थी, वरासत नहीं थी। खुदा गवाह है, फरीकैन की किताबों में लिखा हुआ है, दोनों मसलक की किताबों में यह बात मौजूद है, और मैं कच्ची बातें कहने का आदी नहीं हूं। मैं ऐसा खतीब नहीं हूं जो सर सी बात करके आगे बढ़ जाऊं, कल कोई मेरा गरेबान पकड़ ले, नहीं, कल कोई अदालत में भी चैलेंज करे तो वहां भी आ जाऊं। फरीकैन की किताबों में लिखा हुआ है हम अंबिया की जमात ना किसी का वारिस बनते हैं ना किसी को वरासत वारिस बनाते हैं, हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। सुभान अल्लाह, साफ रिवायत मौजूद है हमारी किताबों में भी, फरीके मुखालिफ की किताब मिल्कियत नहीं है कि वो वरासत में तकसीम हो। यहां पढ़े लिखे लोग मेरे सामने, अगर ये मिल्कियत है, अगर ये वरासत है, अगर ये वरासत तकसीम होनी है, तो फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, खुदा लगती बात कहिए, वरासत में सिर्फ बेटी हकदार होती है, बीवियां नहीं होती? ये कुरान ने सूरत निसा में जो हिस्से मुकर्रर किए हैं उनमें बीवियों का हिस्सा कोई नहीं, होते भी नहीं हो, तो वो हक सिर्फ फातिमा का था, आयशा का नहीं था। तो हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा को नहीं दिया, आयशा को दे दिया, हजरत उमर ने अपनी बेटी को दे दिया, उन्हें दे दिया, फिर आप कहते अपनी धियां दे छड़िया ने सईदा से जुलम किए उन्हें भी तो नहीं दिया, और हजरत फातिमा गई तो इन्हें भी बाबा की हदीस सुनाई। तुमने पता नहीं क्या दरबार लगा हुआ है, फातिमा खड़ी है, धूप है, धूप में खड़ी है, इन्ना लिल्लाह, तुम्हें यार खौफ खुदा कोई? ये जितने लोग आज बैठे हो 15 सदियां पीछे आ गए, खैरुल कुरून ने कर ली, सुम्मल लज़ीन यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके साथ वाला, साथ वाला, साथ वाला, हम बहुत बुरा हैं। जब वो जमाना था वो कौन सा जमाना था? खैरुल कुरून ने, हम तो बहुत पीछे आ गए। दिल पे हाथ रख के बोलो, आज अगर सैयदा फातिमा को वक्त का हुक्मरान हाई कोर्ट के बाहर धूप में खड़ा कर दे, अलियाज़ बिल्लाह, तुम्हारा क्या रद्दअमल होगा? बोलो क्या रद्दअमल होगा तुम्हारा? चुप करके बैठ जाओगे, घरों में दबक के बैठ जाओगे कि खड़ी रहे मेरे नबी की बेटी? कोई गैरतमंद मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करता। और जिस जमाने की तुम बात करते हो उस वक्त मेरे नबी के चचा अब्बास मौजूद हैं, अब्बास के बेटे मौजूद हैं, हजरत जाफर के बेटे मौजूद हैं, हजरत अकील मौजूद हैं, हजरत अकील के बेटे मौजूद हैं, खुद बद्र ओहद का गाजी अली मौजूद है, और फातिमा कहां खड़ी है? मैंने कहा सुनते जाओ, अकल को अंधेरी कोठरी में रखे, अकल से काम नहीं लेना। एक साहब तकरीर कर रहे थे, जरा मेरे जुमले को गौर से सुनना है, लतीफा वो होता है जो बंदा जल्दी समझ जाए,
एक सेकेंड के बाद भी समझ आया तो मज़ा नहीं आता। एक साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते कहने लगे, हजरत हुसैन पर इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ कि हजरत हुसैन का घोड़ा जो था वो सारी रात धूप में खड़ा था, सारी रात धूप में खड़ा रहा। बड़ा जुल्म हुआ कि सारी रात धूप में खड़ा। अक्कल को अंधेरी कोठरी में रख के आते हो। खातून ने जन्नत खजूरे मांगने के, इन्ना लिल्लाहि, तुमने खानवादा अली की क्या तस्वीर पेश की, क्या तस्वीर पेश की है तुमने खानवादा अली अदालतों और खामन। आपकी अहलिया को अगर कभी अदालत में पेश होना पड़े, कभी खुदा न खास ताला न करे अल्लाह किसी पर नौबत न लाए, इतने आमीन जरा औलिया कीजिए थोड़े ख्याल में पेश हों, अल्लाह वहाँ किसी की पेशी किसी खातून की न करे। लेकिन कभी 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 ऐसे भी होता है कि मसलन कोई ज़मीन जायदाद नाम लगवानी है या सुनवानी है तो मजबूरन पेश होना पड़ता है, तो आप अपनी अहलिया को अकेले भेज दिया कर, जा तू अदालत, मैं घर बैठा, क्या तस्वीर पेश की है तुमने हजरत अली। मेरी ये बात नोट करें, मेरी पहली दलील क्या थी, उन्होंने हजरत अबूबकर की खलीफत खिलाफत को बरहक समझा तभी गए। मेरी दूसरी दलील क्या थी कि सिर्फ बेटी वारिस नहीं होती, बीवियां भी। दूसरी मेरी तीसरी दलील बड़ी मजबूत थी, पसंद आ जाए कहना मंदियाल की अच्छी बात कहे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला 34 हिजरी में खिलाफत पर फायज हुए, हजरत सैयदना उस्मान बिन हुनैन रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद वो खलीफा बने। अब तसर्रुफ उनका है, इख्तियार उनका है, इख्तदार उनका है, हुक्म उनका चलता है, पुलिस उनके जेरे कंट्रोल है, फौज उनके जेरे निगरानी है, सूबों के गवर्नर उनके, कोई रोक टोक डर खौफ नहीं है। वो डराने वाले तीनों चले गए, वो तीनों चले गए। अब हजरत अली तन्हा मुख्तार है, जो चाहे करें जो फैसला करें। बंदयाल भी पूछना चाहता है कि जो हक फातिमा का अबू बकर ने नसब किया था, हजरत अली ने खिलाफत पर फायज होने के बाद वो फतह का बाग फातिमा के वारसों को लौटाया, लौटाना चाहिए था कि नहीं लौटाना चाहिए, चाहिए था लौटाना चाहिए, तब्दीली तो आनी चाहिए। वो जो हक नसब उन्होंने किया है मैं लौटाऊं, नहीं लौटाया। शरा नादिर बरागत में एक हवाला पड़ा, हजरत अली को कहा गया कि वो फतह का हक फातिमा के वारसों को लौटा दीजिए। हजरत अली ने फरमाया नहीं लौटाए। फतक को सामने रख के और सैयदा को सामने रख के और उसको ढाल बना के तबर्रा किस पे कर रहे। फिर वही कहूंगा, अकल अंधेरी कोठरी में रख के कहीं चले जाते, तबर्रा किस पे कर रहे हो जो आज भी मोहम्मद के सीने के साथ हो। उस पर दलील काम करने की जरूरत ही नहीं, उस पर दलील भी काम करने की जरूरत नहीं, जो मेरे नबी के साथ है। बरेली मकतब फिक्र के जो बानी है मौलाना अहमद रजा खान बरेली, उन्हें फतवा अफ्रीका में एक बात लिखी,
कि ये हदीस पेश करके कि और कुरान की आयत पेश करके कि जिस मिट्टी से बंदे का खमीर बनता है, शुरू में इंसान का खमीर बनाने वजूद बनाने के लिए जो मिट्टी उठाई जाती है, मरने के बाद बंदा उसी मिट्टी में आता है। कहाँ से? मसलन ये कोई मुस्तनद बात नहीं है, मसलन सरगोधा से अगर उस कब्रिस्तान से उठाई गई मिट्टी मरने के बाद मदा हुई है, पिंडी से उठाई गई किसी की मिट्टी मरने के बाद हुई है। मौलाना ये बात लिख कर आगे कहते हैं कि इससे साबित हुआ कि जिस पाकीज़ा मिट्टी से आमना के लाल का वजूद बना था, उसी पाकीज़ा मिट्टी से अबू बकर और उमर का भी वजूद बना था। आज भी मेरे नबी के साथ किसने सुनाया? हजरत अली ने। उन्हें रौज़ा रसूल में किसने सुनाया? हजरत अली। पर हजरत अली तलवार निकालते आड़े आ जाते। हजरत अबू बकर अली की अनबन हो गई किसी बात में, हजरत अली नाराज हो गए। हजरत अली ने जो पांव मदीने की जमीन पे मारा, जमीन कांपने लगी। ये अकल को तेरी कोठरी में आ गया, मत समझो मैं मैसेज ही करता है अभी तुझे आपको सुभान अल्लाह। जमीन कांपने लग गई। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को किया इसको बनाओ, कुछ मिनट कर लो, नहीं तो मदीने में लग गई, मदीना उतरे तले होने लग गई। हजरत उमर ने मिन्नत की, हजरत अली का गुस्सा ठंडा हुआ तो तब जमीन थमी। हजरत अली ने फरमाया हूं पता लगा मेरी कुवत का, तो कुरान की आयत उतरी इज़ा ज़ुलज़िलत अल-अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये उसका शान नज़ूल गया। वो जो गुस्सा था पांव मारा जमीन कांपने लग गई, और वो जो तलवार चली मरब पर और मरब को काटती हुई जमीन के नीचे मीकाईल इसराफील से न रुकी, और रब ने जिब्रील को कहा कि रोक जाके वरना जिस बैल ने उतने जमीन खमोती है योसरू भी लगता ही, तो जमीन तो खड़ी नहीं हो सकेगी। फिर जिब्रील आए, उन्होंने उस तलवार को रोका और वो कुछ ना हुआ, उनका थोड़ा सा नुकसान उन्होंने पार कर दिया। वो तलवार जो जमीन को चीरती हुई जाती थी या अबू बकर उमर को रोज़ा रसूल में सुनाया जा रहा था, वो तलवार नियाम से बाहर क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए? तो कहते मैं नहीं दफन होने देता इनको, लेकिन हजरत अली ने अपने हाथों से दफन किया इसलिए कि उनके दरमियान कोई मुखालफत नहीं थी, मोहब्बत थी, बरादराना ताल्लुकात थे, दोस्ताना ताल्लुकात थे, भाईचारा था, मुस्तकिल बाप मौजूद है, बाप कज़ाए अली फी अय्याम अबी बकर। उठाओ करो तर्जुमा, बाप कज़ाए अली फी अय्याम अबी बकर। इस बाप में हजरत अली के वो फैसले जमा किए गए हैं जो उन्होंने अबू बकर की खिलाफत में किए थे। इसका मतलब यह है कि वो चीफ जस्टिस रहे, काजी उल-कुज़ात फैसले किया करते थे उनकी हुकूमत में, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि कुछ नादीदनी काम है जो हमें नजर नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने के चक्कर लगता है ऐसे, और इसलिए कि लोगों की सारी तवज्जो उस तरफ चली जाए और हम जो कुछ करते रहे इसकी तरफ तवज्जो,
शायद ये भी बजाओ, शायद ऊपर से कोई ताकते हो, हाँ इसराइल भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकते हैं, कहने लड़ाओ, कमजोर करो, खून बेजी हो। इसीलिए देखें यार, देखें अबू बकर जैसी हस्ती को भरी मजलिस में काफिर कहना, यहां 95% सुन्नी बसता है तो सुन्नी तो बिखरेंगे, कुछ उसमें गर्म मिजाज भी होते, मिजाज अलग 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 रखे हुए बिखरे, ये तो शुक्र करो। इतना कुछ कहने के बावजूद लोगों ने ख्याल किया मुल्क का, अय्याम का, महीने का, हालात का, अहले सुन्नत को दुआएं दो, उन्हें कंट्रोल किया अपने आप पर, अल्लाह करे हमारा मुल्क इससे महफूज रहे, हमें से अब उन्हें ये किरदार अदा करें। फिर कब आएंगे, तब फैलती है जब सहाबी सहाबा में से किसी सहाबी पर तंकीद की जाए या खानदान अली में से किसी फर्द पे तंकीद की जाए, हजरत अली पे तंकीद हो, हजरत फातिमा पे हो, हजरत हसन पे हो, हजरत हुसैन पे हो, तो फिर फिरकावारियां तो फैलेगी, फिर फसाद तो होगा। किस तरह हजरत अली और हजरत फातिमा और हसनैन करीमैन पर तंकीद तनकीस करने से फसाद का खतरा है, इसी तरह सहाबा कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। सहाबा इकराम या हजरत अली का खानदान, इनमें से किसी पर तनकीद करना उसके लिए 3 साल 10 साल ये कोई सजा नहीं, ऐसी सजा तजवीज की जाए कि कोई बंदा इसका तसव्वुर हो ना हजरत अली के मुताल्लिक कोई बुरा जुमला बोल सके, ना हजरत फातिमा के मुताल्लिक कोई बुरा जुमला कह सके, ना हसनैन करीमैन के मुताल्लिक पूरा, हाँ हजरत अली की तारीफ करो, हजरत फातिमा की तारीफ करो, हसनैन करीमैन की तारीफ करो, करबला का वाक्य बयान करो कि मातम जायज है, करो तुम्हें हक पहुंचता है, अपनी चार दीवारी के अंदर बयान करो कि काले कपड़े पहनो, चारपाई उलट कर लो, मातम करो, करो, इस पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन सहाबा पर तबर्रा नहीं, ये दिल आजारी है, ये दूसरों की दिल आजारी है, और तबर्रा भी उन पर। हजरत उमर कहती है कि जब नबी पाक ने दुरू के मौके पर चंदा मांगा तो मुझे पता था कि आजकल मेरी माली हालत जरा ठीक है, और हजरत अबू बकर की माली हालत कितनी पतली है, दोस्तों को दोस्तों का पता होता है, ताजरों को ताजरों का पता होता है कि आजकल हालात कैसे, उन्हें पता था अबू बकर की हालत आजकल चंगी नहीं, मेरी हालत अच्छी है, तो वो कहते हैं मैंने दिल में सोचा हर मामले में अबू बकर पहला नंबर ले जाता है, आज देखता ना किस तरह पहला नंबर लेता है। मैं घर आया, सामान को दो हिस्सों में तकसीम की, एक घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, एक आमना के लाल की खिदमत, माल था ढेर लग गया। इतने में अबू बकर, माल थोड़ा है, मैं खुश हो गया, आज मैं जीत गया, मेरा माल मेरा हुजम वजन तादाद ज्यादा है, इनका हुजम माल तादाद कीमत थोड़ी है, मैं खुश। लेकिन मेरे आका ने जब सवाल किया ना तो मेरे आका के सवाल ने मुझे पीछे कर दिया, अबू बकर को फिर आगे कर दिया। तो सवाल मेरे नबी ने ये नहीं पूछा उमर कितना लाए हो, कि मैं 10,000 का लाया हूं, 20,000 का लाया हूं, कितना घर वालों के लिए जान छोड़ के आयो।
इतने में जिब्रील आ, तो जिब्रील ने भी यही लिबास पहना। मेरे आका ने पूछा जिब्रील के नया लिबास कैसा, कि या रसूलल्लाह अबू बकर ने यह लिबास पहना रब को इतना पसंद आया, अर्श पे ऐलान किया सारे फरिश्ते अबू बकर जैसा लिबास पहन के दिखाओ। सारे घर का माम, सारे घर का माम। और इस रिवायत में इब्ने राजी, इमाम राजी की इस बात एतबार एतमाद करना, इब्रील ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह कहता है अबू बकर को तुम पूछ के दो यार यारा वास्ते घर बांधे कर ले, बाद में कहते हैं हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने घर डुबा दिया। ये सारा घर डुबा के मेरे राजी भी है जिब्रील रोने, सिद्दीक रोने लगे यार अल्लाह ये सब कुछ तुझे राजी करने ही के लिए तो दिया था, सारे घर का माल इससे पहले 40,000 दिरहम हिजरत की रात, इससे पहले मस्जिद नबवी की इब्तदाई जमीन खरीदी गई शुरू में उसकी रकम, ये सब कुछ सिद्दीक खर्च करते आया है, फिर उसने आयशा जैसी बेटी कुर्बान की। अल्लाह अल्लाह, मेरा एक क्लिप लोग हजरत सिद्दीक अकबर की बात चली ना तो हजरत सिद्दीक अकबर की फजीलतों पर बड़े कले को सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ गुलाम आ गया है, उसमें एक दो कले मेरे भी हैं। 18 गुलाम की मस्जिद में जो तकरीर में मैंने कहे थे, मेरा दिल करता है मैं आप फिर कहूँ, मैं फिर वही बात, दोनों हमारी आंखों का नूर है, अबू बकर भी हजरत अली भी दोनों हमारे दिल का सुरूर है, दोनों के पांव की जूतियां हमारे सर का ताज है। पहले तीन सहाबा को छोड़कर सारी उम्मत में से अफजल शख्सियत सैयदना अली की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई सहाबी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन अबू बकर तो अबू बकर, उसमें मकाम में फर्क, एहतराम में ना, एहतराम में ना, इज्जत में ना, वो बराबर कर लिया, मर्तबे में मकाम में फर्क है, बस आप समझते चले जाएं, अल्लाह करे पूरी तारीख इन दोनों में है, दोनों में फर्क ये है कि वो सारी जिंदगी मेरे नबी के घर से खाता रहा। हजरत अली को किसने पाला था, वो सारी जिंदगी मेरे नबी के घर से खाता रहा, ये सारी जिंदगी मेरे नबी को खिलाता रहा, उसने बेटी ली, उसने बेटी ली, इसने बेटी ली, अगर तुझे एतबार नहीं आता चल मेरे साथ, हम हजरत अली को ढूंढने निकले, वो हमें आज इराक के शहर नजफ अशरफ में मिल गए, हम अबू बकर को ढूंढने निकले तो वो आज भी मोहम्मद के सीने के साथ। अल्लाह वो तो आज
مسلک میں ترکیب میں میں حضرت ابو بکر کو تمام امتوں میں سے افضل مانوں گا. کیتا ہے اہل سنت کا تمام امتوں میں سے افضل ترین شخصیت کس کی ہے؟ اسی لیے میں نے یہ حدیث پہلے کبھی بہت کم بیان کی ہوگی یا کی ہے کبھی. میرے آقا نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا سببته فی صدر ابی بکر. جو کچھ اللہ نے پھر میں نے کہا میں ذرا ذرا پہلے بات جو کچھ اللہ نے میرے سینے کے اندر ڈالا میں نے وہی کچھ ابو بکر کے سینے میں. کل ان شاء اللہ ہم سب کی یہ دعا ہے, آپ بھی ہمیشہ دعا کیا کہ یہ ایام ایسے ہیں محرم کے تقریب کار ہو رہے ہیں دہشت گرد قرا کے جنوں اسرائیل کے جنوں ہمارے ملک میں وہ کام کر رہے ہوں پیسوں کے لیے ہم میں سے ہی ہوں کلمہ پڑھنے والے ہوں ان کے لیے یہ ایام بڑے سنہری ایام ہیں کہ کوئی فساد کرو ہم درمیان میں سے نکل جائیں گے مسئلہ بن جائے گا شیعہ. اس لیے دعا کرو اللہ یہ ایام عافیت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اور اگر کسی کے ذہن کسی کا عزم عزائم ارادے کسی کے کسی بدبخت کے بدتینت کے ملک دشمن تین دشمن اگر کسی کے ارادے ہوں فساد کرنے کے اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملایا انہیں لگا ہوا رات کر دیا. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, ہم خود اس کے متحمل نہیں ہیں. اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی اس میں کوئی جھگڑا ہو لڑائی ہو فساد ہو قتل و غارت ہو. ورنہ تو ایک دور گزرا ہے مسجدوں پہ حملے نمازوں پہ حملے جمعے پہ حملے جلسوں میں حملے مجلسوں پہ حملے ڈاکٹروں پر پروفیسروں پر وکیلوں پر شخصیات پر ٹارگٹ کیا کیسا فساد تھا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے ہم میں سے ہر بندے کو یہ کردار ادا کرنا ہے. یہ سرگود ہے ہمارا شہر ہمارا شہر یہ بازار ہمارے آپ تاجر ہیں دکانیں آپ کی ہیں. اگر کوئی نقصان ہو بازار میں کوئی دہشت گردی ہو تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا یا سرگودا کی کوئی انتظامیہ ہے ڈی سی صاحب ہیں ایس پی صاحب ہیں اے سی صاحب ہیں ان کا نقصان ہوگا. وہ تو کوئی لاہور کا ہوگا کوئی شہنپورے کا ہوگا کوئی اٹک کا ہوگا وہ تو پیر سے آئے ہیں تین سال دو سال رہیں گے چلے جائیں گے ان کا تو شہر نہیں ہے شہر تو ہمارا ہے. لہذا جتنا فکر انتظامیہ کو ہے کہ ملک شہر میں امن رہے اس سے زیادہ فکر ہمیں ہونا چاہیے. ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم فکر کریں ایک دوسرے پر نظر رکھیں. کوئی ایسا معاملہ اگر ہو بھی جائے آپ کے محلے میں ہو جائے کوئی خلاف قانون کام ہوتا ہے تو قانون ہاتھ میں نہ لیں خود قانون ہاتھ میں نہ لیں. اس سے فساد ہوتا ہے اس سے جھگڑا ہوتا ہے اس سے لڑائی ہو جاتی ہے. آپ انتظامیہ کے نوٹس میں متعلقہ تھانے کے نوٹس میں متعلقہ ایس ایچ او کے نوٹس میں 15 نمبر پہ آپ کال کریں. میرا خیال ہے کوئی اور نمبر بھی انتظامیہ نے دے رکھے تو ان نمبروں پہ رابطہ کریں. خود قانون کو ہاتھ میں قطع نہ لیں اس سے فساد بڑھ جاتا ہے. قانون کا سہارا لیں اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ امن سے یہ ایام باہر. کل انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہمارا پروگرام ہر سال ہوتا ہے یہ 34واں پروگرام
इस प्रोग्राम को 34 साल हो गए, 34 साल, कल 34वां हो गया, कल मगरिब हुआ, जिसमें अजमत व शहादत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला और वाकया करबला की असल हकीकत क्या है, इसका पस मंजर क्या है और ये क्यों वाकया पेश आया था, इस पर हमेशा रोशनी डाली जाती है। लेकिन प्रोग्राम हम बहुत तवील नहीं करना चाहते, आप मगरिब की नमाज मुआविया मस्जिद में पढ़ें, ये मेहरबानी आप करें तो सारे काम काज छोड़ के मगरिब की नमाज मुआविया मस्जिद में आप कल इंशाअल्लाह कल हफ्ते के दिन मगरिब दे दिया।